हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। आज है फुल मून और फुल मून स्पेशल रीडिंग जो है मैं आपकी करने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है कि उनकी आज रात की फीलिंग, यानी कि आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है, जो लोगों की पार्टनर से बातचीत नहीं हो पा रही है ये उनके लिए है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाले भी इसे देख सकते हैं, बट स्पेशली उनके लिए है जो नहीं जानते अपने पार्टनर की भावनाएं और जानना चाहते हैं। ठीक है, ये कैंडल वैक्स ऑन पेपर मैं करने जा रही हूँ। नीचे तीन लेयर रखी है क्योंकि लास्ट टाइम भी इतना बर्न हो गया था कि टेबल वेबल पे भी वो मार्क्स पड़ गए थे, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले रही हूँ। और ये कैंडल वैक्स रीडिंग होगी ऑब्वियसली, और फोकस आपका पूरा फ्लेम पे होना चाहिए, एनर्जीज पे होना चाहिए। और जनरल रीडिंग है जमीन की, सबके लिए रिजोनेट करे पर मोस्ट ऑफ टाइम कर जाती है। और साथ ही साथ ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। ठीक है, सो मनी मन अपने पार्टनर का ध्यान करो जल्दी से, और हैप्पी फुल मून सबको। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो टॉरस एनर्जी के हैं, जेमिनी एनर्जी के हैं, टॉरस जेमिनी और एरीस राशि के हो सकते हैं। ये व्यक्ति मुझे किसी बात को लेकर थोड़े से इनसिक्योर या परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनसिक्योरिटी है या परेशान है, इनसिक्योरिटी जैसे कि थोड़ा सा पेनफुल एक्टिविटी है इनके अंदर, एक अजीब सा ना दिल में पेन है, जैसे कि भारीपन महसूस होता ना वैसा कुछ। ओके, इनको लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, इनको लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, और ये आपके मूव ऑन करने से रेस्टलेस हैं बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर आपके मूव ऑन करने से परेशान है, इनको लग रहा है कि आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हो और अब आप उनको पीछे छोड़ रहे हो, ये फील कर सकते हैं। ये टेलीपैथी कम्युनिकेशन हो सकता है या किसी तरीके से आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन यस ये फील कर सकते हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। इसी वजह से ये व्यक्ति आज रात बहुत रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, ये परेशान हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। आपके पार्टनर आपका कोई पुराना फोटो या कोई पुराना मैसेज पढ़ रहे हैं, या कोई पुराना फोटो देख रहे हैं या कोई पुराना मैसेज पढ़ रहे हैं। आइसोलेट कर रहे हैं आपके पार्टनर खुद को, बंद कमरे में जैसे कि ज़्यादा रहना चाहते हैं, कनेक्ट नहीं होना चाहते इस वक्त किसी से भी, बात नहीं करना चाहते, काम का बहाना लेकर अकेले बैठ रहे हैं, बार बार काम का बहाना लेकर अपने आप के साथ वक्त बिता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काम में भी मन नहीं लग रहा है इस वक्त। आपके पार्टनर बहुत अपसेट है, बट ये ईगो भी है इनमें। देखो यार, ये खुद बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये आपसे बात करके चीजों को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते। इनको लग रहा है आप जो सोचना चाहते हो सोचो, जो समझना चाहते हो भले समझो, पर ये दुखी हैं, आपके आपके एक्शन से ही दुखी हैं। ये डेस्परेट भी हैं, परेशान भी हैं। ये व्यक्ति आपको किसी फेक अकाउंट से स्टॉक भी कर रहे हैं, आपने अचानक से इनको बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा आपको इनकी याद आती है, बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दिनों में अचानक से आप इनको बहुत मिस करने लगे हो। और उसका कारण ये है कि आपका कनेक्शन धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज पर आ रहा है जहाँ पर आपको कुछ बहुत बड़े स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, दूरी बढ़ रही है ऐसा आपको महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, एंडिंग। ऐसा लग रहा है कि आपका मन कहीं ना कहीं इस बात को विश्वास कर रहा है कि ठीक है सब कुछ खत्म है, अब सब एंड हो गया है, बट ये व्यक्ति इस एंडिंग से परेशान हो रहे हैं, और इसके वजह से आप उनकी एनर्जीज और उनकी वाइब्रेशंस को पिक कर रहे हो।
आप दोनों की एनर्जीज में स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दोनों ही आत्मा से जुड़े हुए हो, जिसके वजह से रेस्टलेस हो कहीं ना कहीं। आप भी अचानक से इनको मिस कर रहे हो क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर से तड़प रहे हैं और आप इनकी तड़प को महसूस कर सकते हो, बट ना आप कुछ बोल पा रहे हो ना आपके पार्टनर कुछ बोल पा रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को अपने इमोशंस नहीं बता पा रहे हैं, दोनों अपने ही जैसे कि अब आपके अंदर ही एक लड़ाई चल रही है, अपने अंदर ही आप एक बहुत ज़्यादा लड़ाई लेकर चल रहे हो जिसमें आप बहुत डिस्टर्बेंस में हो और आप जैसे तैसे खुद को संभाल रहे हो। आपके लिए ये आसान नहीं है और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को समझ में आए कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। आप उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं या तो आप उन्हें रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कुछ, आप उन्हें कुछ एहसास कराना चाहते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं परेशान है लेकिन खुलकर बोल नहीं रहे। आसपास क्राउड बहुत है, आपके आसपास बहुत क्राउड है, बहुत ज़्यादा शोर दिख रहा है, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, कोई इवेंट या कोई मे बी पार्टी वगैरह कोई एक्सपेक्टेड है आसपास में। आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, शायद आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपकी एनर्जीज़ को भाप चुके हैं कि आप निकल रहे हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो, अब शायद पीछे नहीं देखने वाले आप, और आप बहुत तकलीफ़ में हो, आप पेन में हो और आपके लिए ये आसान नहीं है। ये स्टेप लिया है जो आप कर रहे हो ये आपके लिए आसान नहीं है, आपको ये करना पड़ रहा है। आपके जीवन में जैसे कि आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था, पर अब आप कोशिश कर रहे हो। हो सकता है आपने अचानक से इनको ब्लॉक किया है, अचानक से आपने इनके नंबर वंबर डिलीट किए जिससे थोड़े से परेशान हो गए। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। प्रॉब्लम यही है कि ये बता नहीं रहे हैं ये बातें, ये खुलकर खुली जबान बोलते ना, खुले दिल से ये आपको खुल से खुलकर कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि इनके मन में क्या है। ये आपको इरिटेट करता है कि सब आपको समझना पड़ता है और आप समझते समझते थक गए हैं। अब आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति खुद से खुलकर बोले, कुंभ राशि के या तुला राशि के भी हो सकते हैं ये व्यक्ति। ये व्यक्ति आपको अपने लाइफ में बहुत स्पेशल मानते हैं, बहुत ज़्यादा। इन्हें इससे पहले सच्चा प्यार नहीं हुआ था, इससे पहले इन्होंने कभी ऐसा फील भी नहीं किया था जो आपके साथ जो फील किया है ना इन्होंने, जो लव जो सीरियसनेस है वो इन्होंने सिर्फ आपके साथ महसूस की है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने सोच लिया है कि ठीक है आपके बिना ही जिंदगी निकालनी है तो ऐसे ही निकालेंगे। अब ये उदास है बहुत, इनको लग रहा है शायद ये अकेलेपन पे ही अकेलेपन से ही गुजरेंगे अब आगे लाइफ में, शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अब अपनी लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जैसे कि इनके जीवन में ये एक जगह पे रुक गए हैं और इस लाइफ में कोई मूवमेंट ही नहीं है, अब ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे इनको लग रहा है। ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप इनके किसी बात से बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया जिससे आप बहुत हर्ट हुए और ये बात ये जानते हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मेस्ड अप हो गई हैं और अब आप सिचुएशन को ठीक नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप भूल नहीं पा रहे हो उनकी गलतियों को, उनकी हरकतों को, चीज़ें पूरी मेस्ड अप हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों की रिलेशनशिप में मुझे डिफरेंसेस जरूर दिख रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग इवेंट में स्पेशली नेक्स्ट 2 वीक्स में आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले 2 हफ्ते के अंदर चांसेस है आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं आपको याद करते थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं और इस वक्त ये उस बेचैनी का सामना कर रहे हैं जिसको आपने बहुत समय तक बहुत ज़्यादा अपने अंदर दबा कर रखा। आपके पार्टनर स्पेशली आपको सॉरी बोलने के लिए मैसेज करना चाहते हैं या फ़ोन करना चाहते हैं, सॉरी फील कर रहे हैं वो बहुत। आपके पार्टनर आपसे कुछ नहीं कहना चाहते, सिर्फ आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। इन्हें लगता है इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। ये बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा।
ये सिर्फ आपको सॉरी बोलने के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं कि सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ पहुंची, मेरी वजह से तुमने बहुत बहुत ज़्यादा पेन का सामना किया। मुझे पता है मैं इतना अच्छा व्यक्ति भी नहीं हूँ, लेकिन यार गलती से अनजाने में सब कुछ हुआ, सब बहुत फ्लो फ्लो में हुआ। मैं अपनी गलती महसूस करता हूँ या करती हूँ, ये सॉरी फील कर रहे हैं, इनको पता है इन्होंने आपको चोट पहुँचाई है। पिछले कुछ दिनों से इनका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, मन थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे काम में भी नहीं लग रहा है, थोड़े से बेचैन से हैं, और इनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। ये कम्प्लीटली मूव ऑन करने से आपके जीवन में ऐसा लग रहा है किसी के आने को लेकर सोच विचार कर रहे हैं, और जिससे ये थोड़े से परेशान हो गए हैं, ये डिस्टर्ब हो गए हैं। ये आपकी आवाज़ को तरसते हैं, अब आपकी आवाज़ मिस करते हैं। मुझे बार बार ना अप्रैल का महीना रिफ्लेक्ट हो रहा है, बार बार कंटिन्यूसली अप्रैल का मंथ बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो, अप्रैल में कुछ इवेंट एक्सपेक्टेड है, या तो आपका या इनका कोई बर्थडे वगैरह या एनिवर्सरी एक्सपेक्टेड है, या अप्रैल में कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। ये पॉजिटिव इवेंट है, कोई अनएक्सपेक्टेड स्टोरी है यहाँ पर। वो समझ नहीं पाई कि क्या इशू है, बट डेफिनेटली कुछ अप्रैल में एक्सपेक्टेड है। अप्रैल मंथ बार बार रिफ्लेक्ट हुआ है, मुझे कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट हो रहा था। सो फुलमून की एनर्जीज में, आप लोगों की रीडिंग में आपके पार्टनर की भावना ये है आज रात की। आज के फुलमून इनके ऊपर शायद थोड़ा सा भारी सा रहेगा, ऐसे एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि काफ़ी हैवी फील करेंगे। चांसेस है उस एनर्जी को आप फील कर पाएंगे फुलमून में, उन्हीं की भावनाओं को आप भी महसूस कर पाएंगे, ऐसे एनर्जीज के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो हो सके तो थोड़ी देर मेडिटेशन वगैरह कर लेना, थोड़ा सा पॉजिटिव प्रार्थनाएँ करना, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं बोलना, हाथ जोड़कर बस भगवान से सब कुछ अच्छा करने की विनती करना, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।